जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 14 तक सरकार चल रही थी, बिहार को 4.5 गुना ज्यादा मिला है, 4.5 गुना ज्यादा। काम करने वाला चाहिए, और ठीकरा फोड़ना आसान है, केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं प्राची सिंह अभी बापू सभागार में मौजूद हूं, और यहां पे झलकारी बाई का आज जयंती मनाया गया, जिसमें सुशील मोदी, नीतीश कुमार जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, उनकी बातों पे क्या कुछ कहा, उनकी बातों को पहले। और नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री थे भारत सरकार में, अटल जी आपकी हर बात मानते थे, तो क्यों नहीं आपने अटल जी से बात करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया। तो ये दोनों लोग जो केंद्र में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, ये नहीं दिला पाए, नहीं दिया, और जब चुनाव नजदीक आया तो कहते विशेष राज्य का दर्जा। अरे 2001 के बाद इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो अवधारणा ही खत्म हो गई, वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, विशेष राज्य का दर्जा मर चुका है। आप कितना भी धरना प्रदर्शन करें, अब वो फिर जिंदा नहीं हो सकता है। और एक बात और बता दें, सोनिया गांधी ने, ये मनमोहन सिंह ने 2013 में राज्यसभा में घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया, क्योंकि जहां तेलंगाना अलग हो गया था, लेकिन कांग्रेस 1.5 साल तक रही सत्ता में, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो मित्रों, अभी विशेष राज्य का दर्जा, अरे आपको तो मदद चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार को 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया, किसी राज्य को पैकेज नहीं मिला, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था, इसलिए 1,40,000 करोड़ का बिहार को विशेष पैकेज दिया। आनंद किशोर जी बैठे, ये 4 लेन 6 लेन का जाल बिछ रहा, क्या बिहार सरकार के पैसे से बिछ रहा है? ये एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी ने जो बिहार को पैकेज दिया। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 14 तक सरकार चल रही थी, उस समय बिहार को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जितना मिला, और नरेंद्र मोदी के 9 साल में जितना मिला, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार को 4.5 गुना ज्यादा मिला है, 4.5 गुना ज्यादा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में, 4.5 गुना ज्यादा, और सहायक अनुदान के रूप में 3.5 गुना ज्यादा, 5.5 गुना ज्यादा पैसा। तो नीतीश जी जिस कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे, उसने जितनी मदद की बिहार को, उसे 7 गुना ज्यादा मदद नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को कर रही है। बिहार और 1.5 लाख करोड़ अलग से, फिर 10 लाख करोड़, नाचे न जाने अंगना टेढ़। मैं भी 13 साल वित्त मंत्री था, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होने दिया। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बिहार की जनता को, ये लोग तो 75 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए, अब कटोरा लेकर पहुंच गए हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया, कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक गरीब को। अरे 5 लाख दीजिए, खजाने में पैसा तो होना चाहिए, कल बिजली माफ कर देंगे, कल कर्जा माफ कर देंगे, और पहुंच जाएंगे केंद्र की सरकार के पास कि हमने माफ कर दिया, हमको पैसा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो आपके पास जितना पैसा होगा उतनी मदद करेंगे ना। इसलिए मित्रों, मैं बिहार की जनता को इस मन से आश्वस्त करना चाहूंगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए, और 2025 में फिर से एक बार बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। अगर 24 और 25 में भाजपा की सरकार बनती है, तो बिना विशेष राज्य के दर्जे के 10 साल में बिहार को महाराष्ट्र गुजरात के बराबर लाकर दिखला देंगे, कोई बिहार को जरूरत नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की।
अगर गुजरात आगे बढ़ गया, महाराष्ट्र बढ़ गया, तमिलनाडु बढ़ गया, उनको क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला था? आज मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया, क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए, और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं, बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। जिससे मेरे मित्रों, आज झकरी भाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नज़दीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार? चुप्पी साधे हुए थे, अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। इसलिए मित्रों, बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2001 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता है और बिहार को भी नहीं मिल सकता है 2001 के अनुसार। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।